फाइनली फ्रेंड्स 2023 में मेरा पासपोर्ट आ गया, इंडियन पासपोर्ट, और ये मैंने सिर्फ 15 डेज के अंदर मंगवाया है। तो दोस्तों आप लोग को आपका इंडियन पासपोर्ट कैसे मिल सकता है, वो भी 15 से 20 दिनों के अंदर, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूंगा। 2023 में बहुत सारे मेजर चेंजेस हो चुके हैं पासपोर्ट मंगवाने के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा, और कैसे जल्दी से जल्दी मंगवा सकते हो, कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स मैं आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कैसे आपको ये पासपोर्ट मंगवाना है। मैं कोलकाता में रहता हूँ और ये कोलकाता की इंडियन पासपोर्ट ऑफिस में मैंने कैंसिल करके एक ही दिन में एक सारा काम कर लिया और जल्दी से जल्दी ये पासपोर्ट मैंने मंगवा लिया, आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे पासपोर्ट में आपके नाम के चेंजेस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ आज की वीडियो में, जो मेरे ख्याल से आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो पर इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो हर चीज़ को तो मैं आपको बताऊंगा तो आप नोट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए मैंने दोस्तों आपके लिए एक आर्टिकल लिख दिया डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप बाद में जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हो कभी भी आपका दिल करे तो। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं सारी चीज़ें बहुत जल्दी शेयर कर देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बता दूं कि भाई इंडियन पासपोर्ट में पासपोर्ट बहुत सारी टाइप्स की होती है। सबसे पहले तो ये रेगुलर पासपोर्ट है, इसके अलावा आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल जाएगा, बहुत सारे अलग अलग पासपोर्ट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग एक ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो मेरे वीडियोस को देखेंगे वो तो पक्का रेगुलर पासपोर्ट ही अप्लाई करेंगे। रेगुलर पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए भी दोस्तों बहुत सारे नियम्स है, जैसे कि एक आप लोग ये जो पासपोर्ट होता है इसमें आप लोगों को नॉन ECR पासपोर्ट है, मतलब आप मैंने 10 क्लास पास किया है, अगर आप 10 क्लास नहीं पास किया तो आपका रेड पासपोर्ट आएगा, इसके मतलब रेड या वाइट पासपोर्ट आएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों ने 10 पास किया और आप ऐसे ही पासपोर्ट को मंगाना चाहते हो तो आप तत्काल में मंगा सकते हो, नॉर्मल में मंगा सकते हो। मैंने नॉर्मल में मंगाया इसलिए 15 दिनों में आया है, अगर आप ऐसी मंगवाते हो तो मतलब दोस्तों तत्काल में तो 10 दिनों के अंदर भी आपका आ सकता है। तत्काल पासपोर्ट में 2000 रुपये लगते हैं और रेगुलर पासपोर्ट में सिर्फ 1500 रुपये लगते हैं, तो आप कैसे अप्लाई करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले बता दूं, मैंने अप्लाई किया था दिसंबर के 25 तारीख के करीब, और वहां पर दोस्तों मैंने जब अप्लाई किया तो पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, मतलब एक अकाउंट बनाया, passportseva.gov.in ऐसे नाम के बहुत सारे वेबसाइट्स, तो ऑफिशियल वेबसाइट में ही अप्लाई करें, अदरवाइज आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे पहले बता दूं, यहां पर जाते ही आप लोगों को सबसे पहला काम करना है वो आपके आधार कार्ड आपका जो है मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, अगर आपने इसे नहीं किया है तो आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे कि मैंने कर रखा था और इसे करने के लिए सिर्फ 10-5 दिनों का समय लगता है, किसी भी आसपास के आधार कार्ड ऑफिस में जाइए और कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसे कंप्लीट किया दोस्तों, तो मेरा सेकंड प्रोसेस आया, दैट इज़ कि मेरा एक अकाउंट बना, उसके बाद मैंने 10 पास किया है कि नहीं मैंने वो लिखा, मैंने लिखा कि भाई नहीं मैं नॉन ECR हूँ, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद जो है मैंने इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद मुझे एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ी। अब अपॉइंटमेंट आप कहाँ बुक करेंगे, जैसे कि मैं कोलकाता में रहता हूँ तो कोलकाता के नियर बाई प्लेसेस, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से आना कोई सिटी पड़ेगा आपको किसी पासपोर्ट सेवा केंद्र में, तो आपको पहले से प्लान कर लेना चाहिए कि कौन से दिन मैं आ सकता हूँ, और आपको वो जो ग्रीन के प्लेसेस दिखेंगे उस पर्टिकुलर प्लेसेस में आपको बुक कर लेना है, और किसी भी एक बुकिंग सेंटर में जाकर आपको वहाँ पर जो भी पोजीशन में आपको टाइम दिया जाता है दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं वहां पर उसी टाइम में पहुंचूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको उस दिन का उस टाइम के लिए नहीं, उस टाइम से लेकर 4 घंटे तक आपको रख लेना चाहिए समय कि आपको हाँ उतना समय लग जाएगा। अगर मेरा 11:30 बजे करीब 1 या 2 तारीख को था, तो दोस्तों 1 या 2 तारीख को 11:30 बजे के करीब जो है मुझे बुलाया गया, उसके बाद एक मैं लाइन में खड़ा हुआ, लाइन में खड़ा होने के बाद मैं 1:30 बजे गया अंदर, और 1:30 बजे अंदर जाने के बाद अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे बाद मेरा नंबर आया, फिर मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, वेरिफिकेशन होने के बाद उन्होंने मेरा फोटोग्राफ लिया, और फोटोग्राफ लेने के बाद दोस्तों वहां पर पासपोर्ट सेवा केंद्र में वहां पर मुझे बहुत देर बैठाया गया। तो ऐसी चीजें मतलब आप लोगों के, उसके बाद आपको वो काम हो जाने के बाद फिर दूसरे ऑफिस में भेजा जाएगा जहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके चलें। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि 10वीं के मार्कशीट्स हो सकते हैं, या फिर आप लोग के जो 10-12 के मार्कशीट्स, आपके आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सारा चीज आपको दिखाना पड़ेगा दोस्तों। 10वीं की मार्कशीट ही लगती है और पैन कार्ड और आधार कार्ड लगता है। बहुत सारे लोगों का नेम में प्रॉब्लम होता है, तो हो सकता है उनको पेपर में प्रिंट करवाना पड़े कि उनका नेम में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या फिर अगर आपका तत्काल पासपोर्ट है तो भी आपको मेरी ही तरह उतना टाइम देकर ही अंदर जाना पड़ेगा, तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। इसके अलावा SMS में जो 50 रुपए लगते हैं, क्या आपको देने चाहिए?
तो मैंने तो 50 रुपए दिए थे दोस्तों, 1550 रुपए, पर मुझे अब लगता है कि वो सारी चीजें एक बेकार थी और अगर मैं नहीं भी देता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके अलावा आप लोग के बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि 2 स्टेप्स मैंने कवर कर दिए, आपको फॉर्म कैसे भरना है और सेकंड आपको ये कैसे करना है। अगर आपको जानना है कि फॉर्म एकदम डिटेल्स में कैसे भरना चाहिए तो अगर आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में तो इसके ऊपर वीडियोस में कवर कर दूंगा। आप लोगों को उस दिन 4 घंटे लगेंगे टोटल। मैं 11:30 बजे गया, 3:30 बजे बाहर निकला और इसके बाद दोस्तों मेरा ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद मैं जब घर आया तो उसके बाद मुझे पता चला कि 8 डेज का टाइम लगेगा कि वो जो है एक पुलिस ऑफिसर मेरे घर विजिट करेंगे और वो जो है ये सारा डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई करेंगे और घर आके मेरा घर को भी वेरीफाई करेंगे कि मैं इस एड्रेस में रहता हूँ या नहीं। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप लोगों के पास कोई पुलिस ऑफिसर का मेल नहीं आता या फिर पुलिस ऑफिसर आपको फ़ोन नहीं करता तो वैसे में अगर आपके पास 8 दिन गुजर जाते हैं तो आपको किसी भी नियर बाय पुलिस स्टेशन जाना है और वेरीफाई करना है कि हाँ सच में मेरा मेल आया आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र से या नहीं। आपने जो भी पुलिस स्टेशन मार्क कर रखा होगा अपने फॉर्म में वही पुलिस स्टेशन में जो है आपके पूरे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडिंग होगी। वो जो है मेरे घर को विजिट किए, वो काफी अच्छे लोग थे और दोस्तों वहां पर हो सकता है कि जैसे आपको पता है ये इंडिया है तो कुछ आपको अमाउंट पे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हमेशा ट्राई करें द मिनिमम अमाउंट यू पे टू द पुलिस। ऐसे में हम लोगों को ये कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये एक तरीके का फ्री सर्विस है पर ब्राइब यहाँ पर देना पड़ सकता है एंड दिस इज इंडिया ओवरऑल। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को कहूँ तो हो सकता है कि आपको 500 से लेके 1000 तक का अमाउंट पे करना पड़े और इसे पे करते ही आप लोगों को कोशिश करनी है कि ये पूरा जो सर्विस है वो कंप्लीट हो जाए और काफ़ी प्रेम से हो जाए। अगर आप इसे बढ़ाएंगे ज़्यादा जल्दी तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, पर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ये ब्राइब की चीज़ें ना हो, नहीं होती है फिर भी अगर आपको जल्दी चाहिए तो फिर दोस्तों दिस इज इंडिया। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया मेरा कंप्लीट और ये 10 तारीख के अप्रॉक्स में हुआ था और 10 तारीख को जब मेरा पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद 5 डेज का टाइम उन्होंने कहा कि वो 3 to 4 डेज में सारा मेल कर देंगे उनको और उनसे जो है प्रूवेंस आ जाएगा। तो ऐसे में मेरा जब 15 तारीख का समय आया तो उन्होंने बताया पासपोर्ट सेवा केंद्र में कि यह सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और अभी प्रिंटिंग चालू हो गई है। प्रिंटिंग चालू होते ही 17 तारीख को उन्होंने मुझे जो है पासपोर्ट दे दिया मेरे हाथ में। तो ओवरऑल में अगर हम देखें तो दोस्तों ऑलमोस्ट मुझे 15 to 17 days लगे ये पूरी की पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आज आप अप्लाई करते हैं तो हिसाब से आपको 20 से 25 दिन हिसाब रख लेने चाहिए कि आपको जो है आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ओवरऑल में ये मेरा प्रोसेस था और ये मेरा एक्सपीरियंस था पासपोर्ट के संग। और दोस्तों मेरी एक बात की बुरी मत मानिएगा, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप बुरा मान रहे हैं पर ब्राइब का जमाना ही है दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, ये वीडियो आपको अच्छा लगे और लगे कि हाँ मुझे भी पासपोर्ट मिल सकता है और कैसे मिल सकता है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कैसे आपको फॉर्म भरना चाहिए या फिर कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और पूरे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स के संग। तो दोस्तों ऐसे मेरा एक्सपीरियंस रहा पासपोर्ट को अप्लाई करके पासपोर्ट को लेने का। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और किसी चीज़ पर आप वीडियो चाहते तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।